नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्पोर्ट मनी गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPL T20 के दूसरे मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाने वाला है बारबाडोस स्टूडेंट्स वर्सेस एसटी किट्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों के बीच में एनालाइज करके देखेंगे कौन से प्लेयर हमारे लिए बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, कौन से प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक के बारे में, किसे हमें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, क्या हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, क्या हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, क्या पॉसिबल 11 इस मैच में हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं नोट्स पर, देख लेते हैं क्या रहेगी दोनों टीम की पॉसिबल 11 और बेस्ट प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा ब्रायन लारा स्टेडियम टेरोबा त्रिनाथ के ग्राउंड पर। फ्रेंड्स, सेम वेन्यू है जो कि फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा, उसी वेन्यू पे मुकाबला खेला जाएगा। बैटिंग अगर पिच रिपोर्ट की मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट जो यहां की बताई जा रही है वो बताई जा रही है बैटिंग फ्रेंडली। कहीं ना कहीं आपको 150 प्लस स्कोर इस मैच में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, एक बात चीज़ यहां पर आपको नोट करने वाली है वो ये रहेगी, इस मैच का जो ये जो मैच है वो डे नाइट मैच है, और अगर हम हिंदुस्तान और इंडिया के टाइम की से देखें, IST के हिसाब से देखें, तो रात को 3 बजे ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो इन्वेस्ट तभी करना जब आप रात को जग सकते हो, बाकी इन्वेस्ट मत करना, या फिर आप अगर रात को जगो तो उसके बाद प्लेइंग 11 आने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। हम बात कर ले दोनों टीम की पॉसिबल 11 के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस के बाद में प्लेइंग 11 आने के बाद में जो भी में हम अपनी टीम में चेंजेस करते हैं या फिर हम वीडियो नहीं देते तो डायरेक्टली आपको जो टीम मिल जाती है वो मिल जाती है टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान रखना 17,000 से ज़्यादा मेंबर है, किसी फेक और पेड ग्रुप में मत ज्वाइन हो जाना, काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना टेलीग्राम जो है वो मनी गुरु जी के नाम से, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बात कर ले फ्रेंड्स BR टीम से, जोनसल चार्ल्स शाई होप आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। फिर हम बात करें एस ब्रुकी या फिर जस्टिन ग्रेव नंबर 3 पर, मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। बल्लेबाजी का क्रम जो होगा वो प्लेइंग 11 आने के बाद डिसाइड होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। कोरी एंडरसन जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, जोनाथन कार्टर है, जेसन होल्डर, मिचेल शेंडर, आर रेफर, राशिद खान, एसली नर्स, हेडन वल्स। तो फ्रेंड्स, पॉसिबल 11 ये हो सकती है, हालांकि जो भी चेंजेस होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर हम बात करें यहाँ से एसटी किट्स के टीम से, क्रिस लिन, इवन लुइस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे बेंडंग नंबर 3 पर। फिर कीवी जो हिटर है निक केली। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज क्यों था, क्यों इसलिए कि इनके पास जो विकेट कीपर है वो ऑलरेडी 2 विकेट कीपर यहाँ पर मौजूद है। बेंडंग यहाँ पर विकेट कीपिंग कर लेते हैं, वहीं पर जे हैमिल्टन भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो क्या जे हैमिल्टन को यहाँ पर प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? अगर इन्हें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं निक केली जो कि हिटर है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरे विकेट कीपर की बात करूँ वो रहेंगे दिनेश रामदीन। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको दिनेश रामदीन की इस मैच में विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, डोमिनिक ड्रेक्स और इमरान खान, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, दोनों ही काफी अच्छे ऑलराउंडर है। इसमें हाई चांस जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं यहां से इमरान खान के। फिर सोहेल तनवीर है, रयाद इमरित, इस सोड़ी, अल्जारी जोसफ और शेल्डन कॉटरेल, जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें जानते हो। अब फ्रेंड्स, डायरेक्टली चलते हैं ऐप पर, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्या हमारी टीम रहेगी, किसे हमें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, कौन से प्लेयर हमारे लिए ग्रैंड लीग प्लेयर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 टीम क्रिएट कर रखी है, दोनों ही टीम के बीच हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सी टीम हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर ले टीम 1 की, विकेट कीपर सेक्शन की बात करूँ, जॉनसन चार्ल्स है, शाई होपे, दिनेश रामदीन है, हाई चांस रहेंगे दोनों ही अपनी अपनी टीम से यहाँ पर ओपन करते हुए, बारबाडोस टीम से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे जॉनसन चार्ल्स और शाई होप। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा या फिर हमें पता चली जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ से दिनेश रामदीन, इनका जो बल्लेबाजी क्रम रहता है वो रहता है करीब करीब नंबर 4 और नंबर 5 का, हालांकि प्लेयर मुझे इतना अच्छा ये लगता नहीं है। फिलहाल मैंने दोनों ही विकेट कीपर को लिया है, जॉनसन चार्ल्स और शाई होप को, हालांकि दोनों में से कोई एक विकेट कीपिंग करेगा अपनी टीम से। फिर हम बात कर ले यहां से बैटिंग ऑर्डर की, क्रिस लिन जो कि फ्रेंड्स ओपन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। इवन लुइस से 71% लोगों ने ले रखा है, मैंने यहां पर मिस किया है, क्यों किया इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा टीम के प्रीव्यू में। फिर फ्रेंड्स, बैटिंग ऑलराउंडर की बात करूं, कोरी एंडरसन है, आप चाहें तो पिक कर सकते हो, बेंडंग बहुत ही तगड़ा पावर हिटर है। फिर हम बात करें निक केली, कीवी जो प्लेयर है और ये भी बहुत ही अच्छा हिटर है, हालांकि खेलने के चांसेस मुझे थोड़े से कम नजर आते हैं। जेक कार्टर है, एस ब्रुक। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था,
या तो एस ब्रुक खेलेंगे या फिर जेक ग्रेव्स, इन दोनों में से कोई एक इस मैच में खेलता हुआ नजर आ सकता है, दोनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। फिलहाल मैंने अपनी जो टीम में पिक किया है, हालांकि आपको यहाँ पर क्रिस लिंग और बेन डंग तो काफ़ी अच्छी चॉइस मिल जाते हैं आपको, आप तीसरा प्लेयर अगर आपके पास क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है आप इवेन लुइस को ही लोगे। हालांकि इवेन लुइस को मैंने काफ़ी बार देखा है 10 में से only 3 या 4 मैच में चलते हैं, और जिस मैच में चलते हैं उस मैच में फ्रेंड्स बहुत ही तगड़ा 50+ रन इजीली मार देते हैं, काफ़ी तगड़े छक्के ये मारते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्रिस लिन को लिया है, बेन डंग को लिया और जेक कार्टर को लिया है। क्रेडिट है आपके पास तो एन लुइस को ले सकते हो या फिर आप सी एंडरसन को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, सोहेल तनवीर और मिचेल चेंदर जो कि दोनों ही हाई चांस से चार चार ओवर आपको करते हुए नजर आएंगे, और मिचेल चेंदर स्पेशली बात करूँ तो बल्लेबाजी आएगी तो बल्लेबाजी से रन भी बना सकते हैं। फिर एशली नर्स का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हो, तीनों ही विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, तो तीनों ही ऑलराउंडर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाकी के चांसेस मुझे थोड़े से यहाँ पर कम नज़र आते हैं। फिलहाल मैंने सोहेल तनवीर और मिचेल चेंदर को अपनी टीम में पिक किया है। बॉलिंग की बात करूँ, राशिद खान एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए खेलते हैं, शेख एस कोटरेल जो कि फ्रेंड डेथ ओवर स्टार्टिंग और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, जेसन होल्डर एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए खेलते हैं, और फ्रेंड्स इतने अच्छे बल्लेबाज ऐसे मैचों में बल्लेबाजी आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो जेसन होल्डर बल्लेबाजी भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम बात करें यहाँ से, आर इमरित विकेट टेकिंग गेंदबाज है, आप चाहें पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग में इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। फिर इस सोडी का ऑप्शन है, अल्जारी जोसफ है आपके पास, वहीं पर मैं कहीं पर अभी नोट्स वगैरह देख रहा था तो वहाँ पर मुझे इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा इस ग्राउंड पर वो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड मुझे लगा है सीपीएल का। हालांकि आर रेफर इन्हें भी आप अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। हेडन वॉल्स का ऑप्शन है आपके पास। फिर हम बात करें नीचे के ऑप्शन, मुझे थोड़े से डाउटफुल नज़र आता है यहाँ पर, डी ड्रेक्स और इमरान खान में से कोई एक यहाँ पर खेलता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर गेंदबाजी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इस मैच में, तो राशिद खान को मैंने लिया और जेसन होल्डर को लिया एज ए ऑलराउंडर, यहाँ पर आपको बॉलिंग सेक्शन में दे रखा है लेकिन दोनों ही एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए खेलते हैं, तो बल्ले से भी रन बनाएंगे तो वो भी हमारे पॉइंट काउंट होंगे। फिर कोटरेल को तो हमें बिल्कुल मिस कर नहीं सकते, यहाँ पर मैंने लिया अल्जारी जोसफ को, आप चाहें तो रियान इमरिद या इस जोड़ी में से किसी एक को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी जो टीम रहेगी कुछ इस प्रकार रहेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, क्रिस लिन, जॉनसन चार्ल्स, शाई हो, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो कि तीनों ही अपनी अपनी टीम से ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर मिचेल चेंदर, जेसन होल्डर और राशिद खान, तीनों ही एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए खेलते, तीनों की बल्लेबाजी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, हालांकि बॉलिंग ऑलराउंडर है तीनों, लेकिन तीनों की बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फिर यहाँ से देखोगे कोटरेल और अल्जारी जोसफ जो कि टीम के मेन गेंदबाज है, सोहेल तनवीर भी बहुत ही शानदार गेंदबाज और काफ़ी अच्छा पेसर है, तो यहाँ पर मुझे स्पेशली छः प्लेयर की बात करूँ तो छः के छः काफ़ी तगड़े गेंदबाज है, स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे तीनों के तीनों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो एक परफेक्ट टीम मुझे यहाँ से नज़र आती है। बेन डंग जो कि एक पावर हिटिंग के रूप में जाते हैं, जे कार्टर कभी कभी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, इस टीम में एक ही प्लेयर को मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, वो कर रहा हूं जे कार्टर की जगह, अगर इवन लुइस मुझे यहां पर मिल जाते तो मेरी एक परफेक्ट टीम मुझे यहां पर नजर आती है। आप चाहें तो ये इनकी जगह किसी दूसरे ऐप में खेल रहे हो तो इवन लुइस को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। सेकेंड टीम की बात करूं, और फ्रेंड्स एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा दूँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं अपनी टीम में कोई भी चेंज करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा टॉस के बाद में, प्लेइंग 11 आने के बाद में, और ऐसे काफ़ी मैच जो कि अभी T10 के चल रहे हैं उसकी टीम में आपको देता हूँ, वीडियो नहीं देता लेकिन टीम जरूर देता हूँ, वो देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्टली आप सर्च कर लेना, हमारे चैनल का नाम है मनी गुरुजी, स्पोर्ट मनी गुरुजी से टेलीग्राम नहीं है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम है वो है मनी गुरुजी नाम से, तो मनी गुरुजी आप सर्च कर लेना, 17,000 से ज़्यादा मेंबर है। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब हम अपनी लिंक वगैरह शेयर करते हैं या फिर कोई हमारा वीडियो देखता है तो वो ओनली टीम का प्रीव्यू देखता है, उसी टीम के साथ जाता है, उनको ये नहीं पता मैंने दो टीमें दी है, तो वो क्या करते हैं टीम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मैंने आपको जो प्लेयर बताया उसको आपको पिक करना, न कि यहाँ की टीम के प्रीव्यू को। अब फ्रेंड्स स्पेशली इस टीम की बात करें जो कि फ्रेंड्स मैं ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके ये टीम डालने वाला हूँ, डालने वाला हूँ ग्रैंड लीग में, क्रिस लिन, इवन लुइस, बेन डंग तीनों ही बहुत ही तगड़े पावर हिटर है, जॉनसन चार्ल्स भी बहुत ही अच्छा हिटर है, चारों के चारों मुझे हिटर मिल गए यहाँ पर। फिर यहाँ से आप देखोगे कोटरेल और जे होल्डर को मैंने यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, एस कोटरेल आप सभी जानते हो लेते हैं तो 2 से 3 विकेट साथ में लेते हैं, जे होल्डर विकेट लेंगे प्लस बल्लेबाजी से रन बना सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये दो प्लेयर हैं इन्हें काफ़ी लोग अवॉइड करने वाले हैं इस मैच में, रियान इमरित और ये जो तीन प्लेयर आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे इन तीनों ही प्लेयर को, रियान इमरित, इस सोडी और आर राइफर, काफ़ी कम लोग इन्हें लेकर चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, तीनों ही विकेट
टेकिंग गेंदबाजी, ऐसे नहीं है कि एरे गेरे प्लेयर हैं, तीनों ही विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बहुत ही अच्छा नाम है तीनों ही गेंदबाज का। अगर तीनों के तीनों खेलेंगे तो आपको यहाँ पर मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स सोहेल तनवीर और मिचेल चंदर को हम अपनी टीम में पिक करेंगे। तो इस तरह से एक से दो चेंजेस कर सकते हो आप, एक गेंदबाज कम करके यहाँ पर एस्ली नर्स को ले सकते हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कोरी एंडरसन या कोई दूसरा बल्लेबाज है उसे अपनी टीम में पिक कर सकते हो। शाही होप को भी आप ले सकते हो अगर बल्लेबाजी क्रम आप बढ़ाना चाहते हो। एक से दो प्लेयर चेंज कीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कीजिए, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इजीली मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग की बात मैं कभी नहीं करता, मिनी ग्रैंड लीग की बात करो तो मिनी ग्रैंड लीग इजीली यहाँ पर वोन कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम रहता है, टॉस के बाद टीम आपको फाइनल वहीं मिलती है। थैंक यू वेरी मच।